नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, दिन दहाड़े अपराधी अब जो है रोड पर गोली मारने लगे हैं और बिहार में इसकी वानगी हर रोज दिख रही है। पटना से सटे मसौढ़ी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक लड़की को बीच रोड पर गोली मार दी गई है और उसकी हत्या कर दी गई है। स्कूल में पढ़ने वाली ये छात्रा बताई जाती है और फिलहाल ये कोचिंग जा रही थी, जिस दौरान सुबह सुबह ही अपराधियों ने उसे अपना निशाना बनाया और लड़की को बीच रोड पर गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। तो लगातार बिहार की राजधानी पटना और इससे सटे इलाके में अपराधियों का तांडव बरकरार है, एक के बाद एक ताबड़तोड़ गोलियां मार रहे हैं। चाहे वो लड़के हो, लड़कियां हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, आम हो, खास हो, हर किसी पर गोलियां बरसाई जा रही हैं और यही कारण है कि बिहार में इसे लेकर सियासत भी चल रही है। दरअसल पटना से सटे मसौढ़ी से बड़ी खबर, कोचिंग जा रही एक छात्रा को बदमाशों ने बीच सड़क पर गोली मार दी, उसकी हत्या कर दी। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया, लोग इधर उधर भागने लगे, आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस फिलहाल मामले की तफ्तीश कर रही है। कहा जा रहा है कि हत्या की वारदात के बाद अपराधी फायरिंग करते हुए आराम से फरार हो गए। मामले की सूचना पर एएसपी मसौढ़ी दल बल के साथ वहां पहुंचे और मामले की छानबीन की जा रही है। फिलहाल डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आसपास के इलाके में जो कैमरे लगे हैं उनसे पता लगाने की कोशिश की जा रही है और सबसे खास बात ये कि थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। लड़की को गोली मारी गई है। हत्या की यह घटना थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर हुई। मसौढ़ी के मनीचक मोड़ के पास अपराधियों ने कोचिंग जा रही छात्रा को निशाना बनाया और गोली मार दी, उसकी मौत हो गई। गोली लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल कायम हुआ। छात्रा की कनपट्टी में सटाकर गोली मारी गई, जिससे उसकी मौत मौके पर हुई है। मृतका की पहचान नदवा चपौर काजी चक के रहने वाले कमलेश कुमार की 17 साल की बेटी अनामिका के रूप में हुई है और बताया जाता है कि अनामिका रोज की तरह अपने गांव से मसौढ़ी पढ़ाई करने के लिए जा रही थी और यही कारण है कि बीच रोड पर ही अपराधियों ने उसे अकेला पाया और गोली मार दी। लगातार जो अपराधी है उनकी गिरफ्तारी के लिए फिलहाल छापेमारी की जा रही है और बिहार में अगर बात करें, राजधानी पटना या फिर आसपास के जिलों की बात कर लें या फिर कई अन्य जिलों की बात कर लें, हम बार बार आपसे खबर में जिक्र करते हैं, तो अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि बीच रोड पर किसी को भी मार कर निकल जाते हैं। पुलिस प्रशासन से सवाल ये कि आखिर कार्रवाई में इतनी देरी क्यों होती है और अपराधी जब अपराध करके भाग जाते हैं तो उनको पकड़ने में इतनी मुश्किलात क्यों सामने आती हैं। चाहे वो आरा में बैंक लूट का मामला हो, चाहे भागलपुर में मर्डर का मामला हो, मुजफ्फरपुर का मामला हो या राजधानी पटना में हर एक दो या तीन दिन पर लगातार जो गोली चलने का मामला है, हत्या का मामला है, तमाम मामलों को लेकर लोगों में आक्रोश है। लेकिन पटना से सटे मसौढ़ी में एक लड़की को इस बार अपराधियों ने निशाना बनाया है। 17 साल की अनामिका की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिसके बाद आसपास के इलाके में दहशत का माहौल कायम हो गया है। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। जब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।